नमस्कार, एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के बीच आरोपों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में नवाब मलिक ने अब वानखेड़े की पत्नी की बहन पर ड्रग्स रैकेट से जुड़े होने के आरोप लगाए हैं। मलिक ने अपने दावों को साबित करने के लिए कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। नवाब मलिक ने ट्वीट में लिखा, समीर दाऊद वानखेड़े, क्या आपकी साली हर्षदा ड्रग्स बिजनेस में शामिल है? आपको जवाब देना होगा क्योंकि उनका मामला पुणे कोर्ट में लंबित है। उधर वानखेड़े ने अपनी साली पर लगाए गए नवाब मलिक के आरोपों पर कहा कि ये मामला साल 2008 का है और उस दौरान वो नौकरी में भी नहीं थे। इसके अलावा उनकी शादी साल 2017 में हुई है, तो वे इस मामले से कैसे जुड़े हो सकते हैं? बता दें कि नवाब मलिक पहले भी वानखेड़े की जाति प्रमाण पत्र से लेकर उनके निकाह नामे समेत कई फोटो शेयर कर उन पर कई तरह के आरोप लगा चुके हैं। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने का भी आरोप लगाया है। इस पर समीर के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ 1,25,00,000 रुपयों का मानहानि का केस दर्ज करवाया है। ये थी मुंबई से एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क की विशेष रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।